ग्रैंड आरपी की बिगनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ अबाउट कार्स, कैसे खरीदें, कैसे बेचें, कैसे अपग्रेड करें। क्योंकि जब मैं नया आया था ग्रैंड आरपी में, मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में, बट आप लोगों सेम प्रॉब्लम्स नहीं हो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड तक जरूर देखना। ग्रैंड आरपी में बहुत सारी रियल लाइफ कार्स हैं, फिर चाहे वो बुगाटी हो, लैम्बोर्गिनी हो या टेस्ला, इसलिए आ जाओ खेलते हैं साथ में। डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेंगे, जिस सर्वर में खेलना चाहते हो उस पे क्लिक करके रजिस्टर कर लो। मैं पर्सनली EN3 एंड EN2 में खेलता हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं कार्स खरीदने की, एंड उसके बहुत तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऑटो शॉप से खरीदो, जो एक तरह से कार का शोरूम है। वहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है कार्स, साथ ही कार के नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो और उसके स्टैट्स भी देख सकते हो, लाइक एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एटसेट्रा, साथ ही इनका कलर भी चूज कर सकते हो। अब अगर आपको टेस्ट ड्राइव करना है तो वहीं पर ऑप्शन आ जाएगा, जिसके लिए 5000 पे करने होते हैं। आप एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाओगे, जो कि पूरा एम्प्टी है, एंड आप जितना मर्जी चाहो उतना चलाओ। उसके बाद जैसे ही कार से बाहर कदम रखोगे ना, तो वापस आ जाओगे ऑटो शॉप में। फिर अगर एक कार पसंद आई है तो बाय के बटन से खरीद लो, जिसके लिए ऑब्वियसली आपके पास कैश होना चाहिए। अगला तरीका है ऑटो फेयर, जहां लोग सेकंड हैंड कार्स खरीद या फिर बेच सकते हैं। बस वहां पर जाना है, जो कार अच्छी लग रही है उस पे ई प्रेस करके इन्फॉर्मेशन देख लो या प्राइस देख लो, एंड उसके अलावा आप कार के ओनर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड अच्छे से देख लेना कि भाई वो कार अपग्रेडेड है या फिर नहीं है, उसमें इंश्योरेंस हो रखा है या नहीं है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। थर्ड ऑप्शन है GC, यानी कि ग्रैंड कॉइंस। आप डायरेक्टली एम प्रेस करके शॉप में जाओ, एंड जो सुपर कार अच्छी लग रही है उसे खरीद लो GC से। अब GC या तो आप रियल लाइफ मनी से खरीद सकते हो, या कभी कभी जो प्रमोशन चलते हैं उनसे ले लो। उसके अलावा आप अपना क्रेट्स ओपन करके भी कार जीत सकते हो, बट वो प्रॉपर लक होता है। इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि आप GC से खरीदी हुई कार्स को रीसेल नहीं कर सकते किसी प्लेयर को, वो बस आप स्टेट को ही सेल कर सकते हो, जिसमें स्टेट वैल्यू का सिर्फ 10% मिलता है। जो भी आप कार खरीद रहे हो ना, उसे स्पॉन करने के लिए आप जा सकते हो या तो किसी पार्किंग में या फिर अपने घर के गैराज में। कोई नई कार की डिलीवरी में 12 से 24 घंटे भी लग सकते हैं, पर अगर प्राइम है आपके पास तो इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है। अब कोई भी कार खरीदने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आप इंश्योरेंस ले लो, वरना कार चोरी हो जाएगी। और अगर कोई पॉपुलर स्पोर्ट्स कार है ना, फिर तो समझ लो कि 1-2 दिन भी डिले किया तो टाटा बाय बाय कह देना कार को। तो सबसे पहले लाइसेंस प्लेट खरीदो, इस जगह पे आकर 4-5 हजार में मिल जाएगी आपको इजिली। उसके बाद इंश्योरेंस खरीदने के लिए SAHP जाना, वहाँ SAHP ऑफिसर से कह दो कि यू वांट इंश्योरेंस फॉर योर कार, वरना NPC से खरीद लो। ऑफिसर आपसे स्टेट वैल्यू का 10% चार्ज करेगा फॉर 30 डेज ऑफ इंश्योरेंस, एंड NPC 15%। अब आपने कार तो खरीद ली, एंड उससे आप अपग्रेड भी करा सकते हो, जिससे कहते हैं कार ट्यूनिंग। उसके लिए आप किसी भी चिप ट्यूनिंग सेंटर पे जाना, जो कि मैप पे अलग अलग जगहों पे हैं, एंड आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को अपग्रेड करा सकते हो, इंजन, ब्रेक्स, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन एंड टायर्स। यूजुअली जो नई कार्स होती है उनमें ये सब स्टॉक लेवल पे होता है, एंड आप जो है इनको अपग्रेड करा सकते हो, सब कुछ मैक्स करा सकते हो, लाइक लाइट, मीडियम एंड प्रो, ये 3 लेवल्स होते हैं। इनका प्राइस डिपेंड करता है कि आपकी कार की स्टेट वैल्यू कितनी है। तो बहुत आसान है इनको खरीदना अगर आपके पास पैसा है। बाकी अगर आपके पास ट्यूनिंग क्रेट्स हैं तो उनसे भी जो पार्ट निकल रहे हैं आप उन्हें इंस्टॉल भी करा सकते हो। ट्यूनिंग से कार विजुअली नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, लाइक उसकी स्पीड बढ़ सकती है एंड हैंडलिंग बेटर हो सकती है। देन सेकंड टाइप का अपग्रेड जो आप करवा सकते हो वो है विजुअल अपग्रेड्स, जिससे कार बस दिखने में बेटर हो सकती है बट परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके लिए जाना है सर्विस स्टेशन, जो मैप पे बहुत सारे हैं। वहां जाकर आप अपनी कार का कलर चेंज करा लो, बैक लाइटिंग लगवा लो, टर्बो लगवा लो, व्हील्स के रिम बदलवा लो, हॉर्न चेंज करा लो, एंड वो सब करा सकते हो जिससे कार दिखने में एंड इवन सुनने में अच्छी लगे। फिर कार्स को सेल करना भी बहुत आसान है। 3 तरीके हैं मेनली। एक है कि सिंपल एड डालो एंड लिख दो कि सेलिंग अ कार, देन उसका नाम, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके प्राइस। फिर प्लेयर आपको कॉन्टेक्ट करेगा एंड आपकी कार टेस्ट ड्राइव करने को कहेगा, तो उसको कार की कीज दे सकते हो आप जी मसल से, ताकि वो टेस्ट कर पाए कार। चिंता ना करो, वो चोरी नहीं कर सकता अनलेस आपने इंश्योरेंस करा रखा है। देन आप जी मसल से रियल एस्टेट पे जाओ, व्हीकल पे जाओ एंड अपनी कार सेलेक्ट करके उसे सेल कर सकते हो। सेकंड तरीका है कि आप किसी ऑटो फेयर पे जाओ एंड वहां अपनी कार लिस्ट कर दो। ऑब्वियसली उसमें कुछ पैसे लगेंगे एंड आप मैक्सिमम 3 डेज के लिए ही रख सकते हो, फिर कोई भी रैंडम प्लेयर आकर उसे खरीद लेगा। अब हाँ, जब भी आप कार सेल करोगे तो 10% टैक्स कट हो जाता है, सो उसका ध्यान रखना। बाकी मेरे को कार रीसेलिंग इतनी खास लगती नहीं है, क्योंकि हर कोई कार्स को उनकी स्टेट वैल्यू पे खरीद सकता है फ्रॉम ऑटो शॉप। बाकी जो प्रो प्लेयर्स हैं वो तो इससे भी पैसा कमाने का तरीका निकाल ही लेते हैं। तो उसके अलावा तीसरा तरीका तो वही सिंपल है कि सेल टू द गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसी कार है आपके पास जो आपने GC से खरीदी है या फिर किसी क्रेट से मिली है एंड आप उसे सेल नहीं कर सकते हो डायरेक्टली टू अ प्लेयर, तो आप उसे स्टेट को सेल कर सकते हो, बट उसमें सिर्फ आपको 10% मिलेगा। जैसे अगर 12 मिलियन की कार है तो आपको सिर्फ 1.2 मिलियन मिलेंगे, यानी कि 10%। फिर एक दो फीचर्स और बता देता हूँ। तो आप कार वॉश में जाकर कार को बिल्कुल क्लीन करवा सकते हो, क्योंकि चलते चलते ना कार गंदी हो जाती है, उसमें मिट्टी लग जाती है, जो सिर्फ कार वॉश से ही साफ हो सकती है। उसके अलावा आप गैस स्टेशन से 10 रिपेयर किट्स एंड 10 गैस कैनिस्टर्स खरीद के रख लो अपनी कार की ट्रंक में, इमरजेंसी में काम आएंगे वो बहुत ज्यादा, मतलब कभी हाईवे में फ्यूल खत्म हो जाए या फिर कार रिपेयर करनी पड़े। उसके अलावा प्रीमियम फ्यूल भी खरीद सकते हो, जो नॉर्मल फ्यूल से 5 गुना महंगा आता है, बट उससे कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आजकल एक एंटी रडार का सिस्टम भी आया है, जो कि आप डार्क नेट
से खरीद सकते हो, उसकी कॉस्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा है, यानी कि $1 million फॉर 30 days। एंड उससे क्या होता है कि आपकी कार जो है उसमें इंजन ब्लॉकिंग नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी गैंगस्टर या फिर पुलिस वाला इंजन ब्लॉकिंग की मदद से आपकी कार को ब्लॉक नहीं कर सकता। एंड इवन अगर आप बहुत ज्यादा स्पीडिंग कर रहे हो ना, तो पुलिस वालों के रडार में भी आपकी कार नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़िया फैसिलिटी है, बट $1 million फॉर 30 days देने पड़ेंगे। तो बस यही था, मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ बता दिया। अब कार्स खरीदने के लिए चाहिए खूब सारा पैसा, जिसके लिए बेस्ट है लाइसेंस प्लेट बिजनेस। उसके लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, वरना BMS ज्वाइन करके भी अमीर बन सकते हो, जिसके लिए राइट वीडियो देखो। अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाओ एंड शुरू हो जाओ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।